तो रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है, जिसमें से सबसे नंबर वन पे है टिकटॉक और उसी के साथ में 58 मोर एप्लीकेशन, जिनमें से बहुत ही सारे एप्लीकेशन रेपुटेड। और अगर देखा जाए तो टिकटॉक अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहा है गवर्नमेंट को। ऐसे में बहुत लोगों को लगता है ये टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि एक साल पहले ऐसे ही टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया था इंडिया के गवर्नमेंट ने और प्ले स्टोर से हटाया दिया गया था। बट उसके कुछ दिन बाद टिकटॉक फिर से वापस आ गया था और इस बार भी लोगों को लगता है कि टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम बात करेंगे क्या टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा या फिर नहीं। हेलो यूट्यूब, राकी शिवंकर फ्रॉम दिस साइड एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स हैव सम टेक बाइट्स। तो वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हो, मुझे पता चल जाता है यूट्यूब के स्टैट्स से, बट सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए 10K तक पहुंचने के लिए। अगर बात करें टिकटॉक के बारे में तो टिकटॉक फिलहाल के लिए इंडिया से तो बैन है, प्ले स्टोर से भी हट चुका है, बट टिकटॉक अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए। और ऐसा ही एक ट्विटर पे उन लोग ने एक फोटो को पोस्ट किया था और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा। अगर देखा जाए तो टिकटॉक बैन हुआ था प्राइवेसी, सिक्योरिटी और टू प्रोटेक्ट डेटा इशू की वजह से। और अगर आप देखते हो IT सेल का जो लेटर आया था जिस दिन टिकटॉक बैन हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी और टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। और इसके रिप्ले में टिकटॉक बोल रहा है कि वो किसी को भी डेटा शेयर नहीं कर रहा है और टिकटॉक प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही सेफ है। वो लोग यही बोल रहे हैं कि टिकटॉक एप्लीकेशन यूजर का जो डेटा है किसी भी बाहर के थर्ड पार्टी कंपनी से शेयर नहीं कर रहे और ना ही वो चाइना के गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहा है। और इससे बोल के वो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि टिकटॉक आज तक कभी भी यूजर का जो डेटा है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है और फ्यूचर में भी कभी भी किसी के साथ, ना कि चाइना के गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, चाइना का एक लॉ है चाइनीज 2017 इंटेलिजेंस लॉ, और उस लॉ के आर्टिकल 14 और 16 में साफ साफ लिखा है कि अगर जरूरत पड़ने पर चाइनीज कंपनी को डेटा ले सकते हैं, मतलब चाइना के अगर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे तो किसी भी चाइनीज कंपनी से किसी भी तरह का डेटा ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है। तो ये एक चाइना का बिल्कुल लॉ है और चाइना का इंटेलिजेंस एजेंसी अगर चाहता है, यानी कि चाइना का गवर्नमेंट अगर चाहता है, किसी भी एप्लीकेशन से कभी भी कुछ भी डेटा मांग के ले सकते हैं और वो मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लॉ है। और वो जो कंपनी है, टिकटॉक ले लो या फिर किसी भी कंपनी जो कि चाइनीज बेस्ड है, वो रजिस्टर्ड हुआ है चाइना में, तो जरूरत पड़ने पर उनको गवर्नमेंट को डेटा शेयर करना ही पड़ेगा। भले ही टिकटॉक बोले कि वो डेटा शेयर नहीं करता है, हो सकता है कभी भी पास्ट में उन लोग ने डेटा शेयर नहीं किया है, बट अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उनको शेयर करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है अगर हम सच में सीरियस से सिक्योरिटी, प्राइवेसी और टू प्रोटेक्ट डेटा को लेके, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा चाइनीज कंपनियों के बारे में, क्योंकि उनका लॉ बोलता है कि जरूरत पड़ने पर उनको शेयर करना पड़ेगा, भले ही कंपनी कितने बार भी बोल ले। और ये जो कंपनी है वो चाइनीज रजिस्टर्ड बेस है। और देखा जाए तो टिकटॉक के तरफ से तो बहुत ही ज्यादा कोशिश चल रहा है कि कैसे इंडिया में आ जाए, क्योंकि इंडिया में उनका अगर देखा जाए तो मेन यूजर बेस इंडिया से था। इंडिया के मिलियंस ऑफ यूजर टिकटॉक में लॉग इन थे, वीडियो बना रहे थे, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स भी थे जो कि हर दिन कई घंटा यूज कर रहे थे टिकटॉक से, और इसकी वजह से टिकटॉक को बहुत सारा फायदा हो रहा था खास करके इंडिया से। तो देखा जाए वो तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और जानबूझ के जब बैन हुआ था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था टिकटॉक के ऊपर, तो प्ले स्टोर हटाने से पहले उन लोग ने खुद अपने तरफ से हटा दिए थे प्ले स्टोर से, iOS स्टोर से टिकटॉक एप्लीकेशन को। वैसे ही जो पुराने यूजर्स थे उनको भी एक्सेस को बंद कर दिया था टिकटॉक वालों ने, जो कि पहले से लॉगिन करके रखे थे, जो जिनके फ़ोन में पहले से टिकटॉक एप्लीकेशन था। और अगर आप पूछोगे कि मैं क्या सोचता हूँ टिकटॉक के वापस आने को लेके, तो मेरा फीलिंग कुछ टाइप का मिक्स्ड फीलिंग है, हो सकता है वापस आ जाए या फिर हो सकता है वापस नहीं आए। अगर हम किसी भी और चीज़ के बारे में अगर इश्यूज लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर कि ये चीज़ तुम्हारा गलत है या फिर ये चीज़ को तुम प्रमोट कर रहे हो जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ है या फिर किसी चीज़ के खिलाफ है, तो वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिथम बेस है। तो वो क्या करेंगे, उनके नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसमें वो एल्गोरिथम को चेंज कर लेंगे, तो वो जो चीज़ गलत हो रहा था वो तो सही हो जाएगा। बट अगर हम बात करें डेटा को लेके, डेटा सिक्योरिटी को लेके, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चाइनीज बेस्ड
कंपनी है, तो अगर जरूरत पड़ने पर इनको तो डेटा शेयर करना पड़ेगा चाइना के साथ में। और एक इसका एक और एक छोटा सा सोल्यूशन है, अगर वो कंपनी चाहे टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो अगर चाहे कि अगर देखे कि इसके पास इंडिया का जो यूजर है बहुत ही ज्यादा है, और अगर इंडिया पे बैन लगता है, इंडिया में अगर बैन लगता है टिकटॉक के ऊपर, तो उनका बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है, वो उस कंपनी को शिफ्ट कर सकते हैं बाहर के किसी देश में, या फिर इंडिया ले लो या फिर यूएस ले लो। अगर वो रजिस्टर करते हैं बाइट डांस को या फिर टिकटॉक को इंडिया के साथ में, तो ये एक चाइनीज कंपनी से बन जाएगा इंडिया की कंपनी, तो हो सकता है टिकटॉक वापस आ जाएगा, तभी डेटा सिक्योरिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का ऐसा कोई लॉ नहीं है जितना मुझे पता है। अगर लॉ भी होगा तो क्या होगा, इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा। इस केस में इंडिया का डाटा चाइना जा रहा था, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकता था। अगर देखा जाए तो जितने भी आप यूज़ करते हो, जितने भी आप फ़ोन यूज़ करते हो, उस सब चाइनीज़ बेस्ड है, तो ये जो चाइना का जो लॉ है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इस लॉ की वजह से हुआई नाम का कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है। ये एक छोटा सा वीडियो था टिकटॉक को लेके, मैं क्या सोचता हूँ टिकटॉक को वापस आने के लेके। वैसे आप क्या सोचते हो टिकटॉक को वापस आने को लेके, क्या आप एक्साइटेड हो? अगर आप टिकटॉक यूजर हो तो मेरे हिसाब से आप तो बहुत ही एक्साइटेड हो इंडिया में आ जाए टिकटॉक फिर से वापस, बट चांस बहुत ही कम है। मैं तो 50-50 बोलना चाहूँगा टिकटॉक वापस आएगा या नहीं। आप क्या सोचते हो मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, मेक श्योर आप फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।